सीएम कॉलेज दरभंगा की एनसीसी इकाई के द्वारा विगत कई दिनों से स्वच्छता अभियान के तहत लेक्चर सीरीज और जन जागरण कार्यक्रम चल रहा है। आज इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे सीओ साहब श्री राजेंद्र सिंह रावत तशरीफ लाए हैं। मैं सबसे पहले सीएम कॉलेज परिवार की ओर से उनका स्वागत करता हूं और उनके सहयोग के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे लेफ्टिनेंट डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव साहब को जब कभी किसी आवश्यकता के कारण उनके पास जाना पड़ा तो उनका हमेशा सकारात्मक सहयोग मिलता रहा है, जिसके कारण एनसीसी में जीवंतता पैदा हो गई है। हम रावत साहब ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि 1938 में स्थापित मिथिलांचल का ये सबसे पुराना शैक्षणिक केंद्र है जी। और जब से एनसीसी एनएसएस की शुरुआत हुई उस दिन से सीएम कॉलेज में ये यूनिट चल रहे हैं। आज भी दो यूनिट एनएसएस के और एनसीसी के चल रहे हैं और जो भी कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए जाते हैं कार्यक्रम, उसके अनुसार हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं। मैं अपने कैडेट को भी बधाई देता हूं कि उनके अंदर भी न केवल पाठ्यक्रम तक सीमित रहने की सोच है, बल्कि वो चाहते हैं कि इस कैडेट का जो उद्देश्य है हम उसको पूरा करें। अभी 4-5 दिनों से हमारा लेक्चर सीरीज चल रहा था, मैंने देखा कि बड़ी संख्या में हमारे कैडेट ने उसमें सारे कार्य उन्होंने किए, मंच संचालन का कार्य हो, छात्र छात्राओं को संबोधित करने का कार्य हो, या सफाई अभियान क्यों चलाया जा रहा है, स्वच्छता और ये संस्कार का कार्यक्रम है ये क्यों चलाया जा रहा है, उसमें उनकी सहभागिता रही है। इसलिए मैं उनको भी बधाई देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ इसके लिए कि आपने जिस उद्देश्य से कैडेट में आने का फैसला किया उसके जो मूलभूत उद्देश्य हैं उसको आप पूरा कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि आगे भी करेंगे। यह कार्यक्रम केवल एक सरकारी फरमान नहीं है, बल्कि यह कार्यक्रम है हम अपनी जीवन शैली को किस तरह बदलेंगे, हम अपने समाज की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेंगे। इसलिए कि जब कभी सरकार के द्वारा कोई योजना बनाई जाती है, खास करके जब शैक्षणिक संस्थानों में कोई टास्क दिए जाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि उसका व्यापक रूप हो, वो सिर्फ परिसर तक सीमित ना हो। आपने इस कार्यक्रम की व्यापकता सिद्ध कर किया है 4-5 दिनों में और आज फिर रैली निकाल रहे हैं। इस अवसर पे हमारे रावत साहब भी आए हैं, जाहिर सी बात है कि ये प्रधान है इस क्षेत्र में, जो 2x8 बटालियन हैं यहाँ हमारे यहाँ उसके प्रधान हैं, आप आए हैं, आप भी संबोधित करेंगे, आपको टूर देंगे। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो तो मैं ये बता रहा हूँ सैद्धांतिक, लेकिन रावत साहब जो हैं वो तो प्रैक्टिकल हैं, उसे आए हैं, सेवा से आए, इनका कार्य इस तरह की राष्ट्र सेवा में रहा है, इस क्षेत्र में रहा है। लेकिन सीएम कॉलेज ने जो कार्यक्रम किया है वो कार्यक्रम सराहनीय है, क्योंकि उसकी महत्ता केवल छात्र छात्रों तक नहीं है, बल्कि वो समाज तक पहुंचाना है उस जो संदेश है, और वो संदेश ऐसा संदेश है जिसके जरिए हम न सिर्फ अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, परिसर को स्वच्छता प्रदान करेंगे, बल्कि समाज को जागृत करेंगे कि उनके आसपास भी गंदगी ना हो। भारत सरकार के द्वारा विगत कई वर्षों से ये आंदोलन चल रहा है और उसका असर भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आज भी हम जब
मानक तय करते हैं तो यूरोपीय देश अन्य देश से पीछे रह जाते हैं। तो आखिर क्यों रह जाते हैं? जो जिस देश में, मैंने पिछले दिनों कहा था कि जिस देश में हमारा संस्कार ही सफाई से शुरू होता है, कोई धार्मिक काम हम बगैर स्वच्छ हुए नहीं करते, उस देश में अगर हम पीछे रह रहे हैं उन देश में तो क्यों रह रहे हैं, ये एक प्रश्न है। और उसको हमें, वो जो एक दाग है हमारे टीके माथे पे, उसको दूर करना है। हमें साबित करना है कि भारत दुनिया को उपदेश देता रहा है मानवीय मूल्यों को, तो उस मूल्यों में अगर स्वच्छता का मूल्य कहीं ह्रास हुआ है तो मैं उसे समाप्त करूंगा। मैं एक बार पुनः हम अपने सीओ साहब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि इस अवसर पर वो आए और छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाने के लिए उनकी उपस्थिति हमारे परिवार के लिए गौरवान्वित का विषय है। मैं उनके प्रति आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिंसिपल साहब, ANO डॉक्टर श्रीवास्तव, प्रोफेसर्स, NCC कैडेट्स और प्यारे स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से गवर्नमेंट के माध्यम से आप सभी को मालूम होगा कि स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वस्थता के तहत कुछ कार्यक्रम NCC के माध्यम से करने का निर्देश प्राप्त हुआ था हमें। 8 बिहार बटालियन NCC की एक इकाई जो CM कॉलेज में है, उन्होंने पिछले 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जो बहुत सराहनीय हैं। इनमें स्वच्छता के प्रति समाज में जागरूकता के लिए रैली, कुछ विषयों पर जो है वेबिनार और लेक्चर्स कंडक्ट किए गए, जिनमें NCC कैडेट्स और स्टूडेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी तरह से अगर ANO's का सपोर्ट मिलता रहे तो आई एम श्योर कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और NCC ज्वाइन करने के लिए वे आकर्षित होंगे। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि NCC के माध्यम से सिर्फ इंडिविजुअल का डेवलपमेंट, डिसिप्लिन या कैरियर ही नहीं बनता है, बल्कि सोशल एक्टिविटीज़ के माध्यम से समाज में भी एक मैसेज जाता है कि NCC एक अच्छा नागरिक बनाती है। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम जो हम आयोजित करते हैं उनसे समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। एक बार फिर से प्रिंसिपल साहब, ANO's डॉक्टर श्रीवास्तव और आप सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए, और आगे भी आपसे ही उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करेंगे कि वे ज़्यादा से ज़्यादा NCC ज्वाइन करें और अपने आप को एक सफल नागरिक एक बनाने में देश की मदद करें। जय हिंद। आई एम रोशन कुमार, राइट नाउ आई एम परस्यूइंग ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश ऑनर्स एंड आई एम ए सिंसियर कैडेट ऑफ 2x8 कंपनी NCC CM कॉलेज दरभंगा। नाउ आज के रैली का मुख्य उद्देश्य श्रमदान स्वच्छ प्रवेश, एंड बिफोर दिस वी हैव अ लेक्चर ऑफ फोर डेज सीरीज एंड स्वभाव स्वस्थता संस्कार स्वस्थता एंड इन दिस आवर रिस्पेक्टेड ANO सर लेफ्टिनेंट डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सर अंडर हिज सुपर गाइडेंस वी एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द कैडेट्स वी मेड इट सक्सेसफुली एंड बिफोर एंड द स्टोरी बिहाइंड दिस द ड्रीम ऑफ महात्मा गांधी हिज ड्रीम वॉज टू मेक द इंडिया नीट एंड क्लीन एंड ऑन 14th of August आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर सर Ramparts from the Red Forts that it is a mass movement and a nationwide. And in this continuously 4 days lecture series Swabhav Swastha and Sanskar Swastha, respected ANO sir ne kafi madad ki. Thank you. Hello everyone, my name is Ayushi and I'm from CM Art College and I'm also a candidate of NCC 2024. And I'm pursuing BA from English Honors and I'm going to tell you about something about NCC. The NCC was firstly started in 1666 in Germany
The NCC in India was formed with the National Cadet Corps Act in 1948. The motto of NCC is unity and discipline. I'm going to tell you something about Swachh Bharat Abhiyan. Swachh Bharat Abhiyan was announced by our PM of India. We all know Mr. Narendra Modi is the President of Prime Minister of India. The Narendra Modi announced Swachh Bharat Abhiyan in Independence Day and launched on October 2014 on Gandhi Jayanti. The main motto of Swachh Bharat Abhiyan is the provide sanitation facilities like toilet, solid and liquid, villages cleaning and safe water supply. In this topic, our minister gave the mantra of Na Gandhi Karenge Na Karne Denge. Jai Jawan. इधर कॉलेज की हर खबर सबसे पहले आपको इस YouTube के चैनल से मिलता है। हम कॉलेज में हो रहे एडमिशन, एग्जाम, क्लासेस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप, सेमिनार्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्स इत्यादि से संबंधित सभी जानकारी विस्तृत रूप से अपने इस YouTube चैनल पर आपको मुहैया कराते हैं। कॉलेज की तमाम गतिविधियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।